रीजनल इंडिपेंडेंट जो भी ये बने प्रांतीय शासन, उनमें दूसरा महत्वपूर्ण था अवध। अवध जो कि अभी वर्तमान में जहां राम मंदिर बना है, लखनऊ से लेकर और बनारस के क्षेत्र को अवध बोलते हैं। भगवान राम को भी अवधपति बोलते हैं। तो उस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगर स्वतंत्र अगर राज्य स्थापित किया तो वह था सआदत खां। सआदत खां का दूसरा नाम यानी ये टाइटल था बुहारन उल मुल्क। ऐसा क्यों कहा जाता था? इसके पीछे कारण ये थे कि दो प्रकार के इंटरनल ताकतवर ग्रुप थे। एक ग्रुप था जिसको हम कहते थे ईरानी दल, ईरानी पार्टीज, और दूसरा था तुरानी दल। तुरानी दल, तुरानी पार्टी। आपको फिर बता दें कि ये गुटबाजियां मुगल काल से भी पहले मुस्लिमों में अक्सर होती रहती है, आज भी होती रहती है। तो इसमें इसके अलावा नवी मुसलमान, नवी मुसलमान जो है वो वे थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोल से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। ये दिल्ली के आसपास बसे हुए थे। इसके बाद एक और ग्रुप था अफगानी, एक भारतीय मुसलमान। चूंकि भारतीय मुसलमान को ये लोग हिंदू ही मानते थे, इसलिए ऊंचे पद इनको नहीं दिए जाते थे। बहुत कम लोगों को ऊंचे पद मिला। कन्वर्टेड जो राज कृपा में रहा, जैसे बिरबल, तानसेन, तो इन लोगों को पद दिया गया कन्वर्टेड का, लेकिन भारतीय मुसलमान का दबदबा मूलतः नहीं रहा। इसमें इन दोनों में हमेशा टक्कर रहा, खास करके पोस्ट मुगल यानी लेटर मुगल में सबसे ज्यादा है। तो ईरानी दल के नेता थे सआदत खां और तुरानी दल के नेता थे निजाम उल मुल्क, यानी जिसे चीन क्लिच खां बोलते हैं। इन्होंने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट किया और इन्होंने अवध को इंडिपेंडेंट किया। इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही और इस लड़ाई के कारण ही आपको बता दें कि जब नादिर शाह अटैक किया था, उस समय निजाम उल मुल्क उसे मना चुके थे कि आप वापस चले जाइए। तब इस ईरानी पार्टी ने उसे नीचा दिखाने के लिए उससे जाकर मिला और बोला कि हम बहुत बड़ी रकम आपको देंगे से आप दिल्ली पे आक्रमण कीजिए। यहां पे सीधे घर का भेदी लंका ढाए। उसे 2 करोड़ रुपए देकर ये मना लिए थे कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हें अब आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं, जो हर जाना चाहिए वो ले लो। लेकिन वहीं सआदत खां उसे बुलाता है, कहता है कि बहुत बड़ी रकम तुम्हें हाथ लगेगी तुम यदि यहां पे आक्रमण कर दो, और वो आक्रमण करता है। हालांकि इसे मोहम्मद शाह जो थे वो अपने नजदीकी होते हुए इन्हें अवध का नवाब बनाया। और जब निजाम उल मुल्क हैदराबाद में परमानेंट शिफ्ट कर गया, तब इसे ऑलरेडी वहां का वजीर भी नियुक्त कर दिया। यानी वजीर एक ताकतवर लोगों को बनाया जाता था। तो यह पूरी तरह से, मतलब ये कहिए कि अपने हाथ में सत्ता लेना चाहता था, इसलिए साजिश के तहत नादिर शाह को बुलाया। जब नादिर शाह 1739 में आया तो उसने यहां लूटा। अच्छा, इसको अलग से महाराजा नवाब राय का ये टाइटल दिया गया था, टाइटल इनको दिया था कि नवाब, महाराजा नवाब राय सआदत खां को दिया गया। अब जब नादिर शाह यहां आया तो दिल्ली में इसे रकम मिली, लेकिन कहा कि ये रकम तो हमने लूटा है,
तुम दो बुलाए थे और इससे रकम मान न देने के कारण यह सुसाइड कर लेता है, और इसकी सुसाइड करने के बाद इसका भतीजा अब्दुल मंसूर उर्फ सरफराज सफदरजंग, अब्दुल मंसूर का ही नाम था सफदरजंग, तो सफदरजंग इसका भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है, और ये सादत खां का भतीजा और दामाद दोनों था, और इसने बड़ी चालाकी से सत्ता, क्योंकि उसकी आत्महत्या कर ली, तो ये नया न्यू नवाब बना, और नवाब के बाद इसे फिर मुगल शासक ने उस समय, मतलब इसके मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह ही थे, मोहम्मद शाह ने इसे वजीर बना लिया, और ये धीरे धीरे बिहार पटना तक अपना इंक्रोचमेंट कर लिया। इसकी इंक्रोचमेंट के बाद ये 1739 से 1754 तक रहा। इसके बाद अवध धीरे धीरे बदल गया, और अली गौहर जब बना नवाब तो सुजाऊ दौला को अपॉइंट किया, ठीक है। सरफदरजंग की मृत्यु के बाद, उसके मरने के बाद, उसका बेटा सुजाऊ दौला गद्दी पर बैठा। सुजाऊ दौला अपने दादा की तरह चालाक बनने की कोशिश की, और शातिर तो था ही, यहां पर भी उसे तुरानी पार्टी के इमाद उल मुल्क से झगड़ा रहा, फिर भी अपना मुगल दरबार में वर्चस्व कायम रखा, वजीर का पद इसे ही मिला। इसे शाह आलम द्वितीय ने अपॉइंट किया उसके पिता के मरने के बाद, जिसे अली गौहर से के नाम से जानते हैं, और फायदा यह हुआ कि उसने अपना वजीर अपॉइंट कर लिया। इससे तुरानी पार्टी कमजोर हो गए और ईरानी दल मजबूत हो गया। अब जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो मीर कासिम मुगल एम्पायर आलमगीर के पास जाता है, और आलमगीर द्वितीय सुजाऊ दौला को न्योता देते हैं, और एक तरफ इंग्लिश और दूसरी तरफ सुजाऊ दौला, जो कि अवध का नवाब था और इनका वजीर भी, आलमगीर मुगल एम्पायर और तीसरा मीर कासिम। अब ये तीनों युद्ध हार जाते हैं, क्योंकि आलमगीर ने समझौता कर रखा था, और सुजाऊ दौला के सेनापति धन की लालसा में आ गए, इसलिए ये हार जाता है। अब हारने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। पहली संधि होती है कि नवाब के, ये मुगल एम्पायर के साथ, मुगल एम्पायर को इसी सुजाऊ दौला से इलाहाबाद और कड़ा छीन कर दे देता है, तो मुगल सम्राट को कोई कमी नहीं, युद्ध से फायदा हो गया कि कुछ रेवेन्यू वाले एरिया मिल गए, लेकिन सुजाऊ दौला को नुकसान हुआ। एक तो उनके क्षेत्र चले गए, और दूसरा सबसे अहम चीज कि इससे दूसरा अलायंस किए, जिसे ट्रिटी ऑफ अलावा टू कहते हैं, उसमें इसे युद्ध हार जाने के रूप में 26 लाख रुपए का डिमांड किया गया, और ये 26,000 लाख रुपया इनका देना पड़ा। अब इन्होंने अंग्रेजों से, चूंकि अंग्रेज ताकतवर हो चुके थे, पलासी जीते, बक्सर जीते, इससे पहले वांडीवास जीत गए थे, बेदरा जीत गए थे 61 में, पानीपत में ये लोग हार चुके थे अब्दालियों से, तो अब इनके पास कोई चारा नहीं था, तो इसने डिफेंसिव यानी बचाव की प्रणाली अपनाई अंग्रेजों के साथ, और वो जो बात कहते गए उन्हें मानना पड़ा मजबूरी में। इसी समय ट्रीटी ऑफ बनारस हुआ, उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल, और उन्होंने बनारस सहित पूरा पश्चिमी भाग पर इन्होंने कब्जा चला लिया, बिहार के पश्चिमी हिस्सा, बनारस, गाजीपुर, इलाहाबाद, ये सारे क्षेत्र आते थे, और उसका रेवेन्यू पर इनका कोई अधिकार नहीं होगा।
बाद में रुहेलखंड और फैजाबाद तक पहुंच गए। अब फैजाबाद में अंग्रेजों की गतिविधि बहुत तेज हो गई। अब अकेले शुजाउद्दौला नहीं संभाल पाता था। इसके मृत्यु के बाद आसफ उद्दौला बना और इन लोगों ने सोच लिया कि अंग्रेज अगर फैजाबाद में रहेंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार, फैजाबाद यानी कि अयोध्या, तो कोई काम नहीं करने लगेंगे, करने देंगे ना, इनके ऊपर हमेशा अंकुश रखेंगे। तो वहां से भागकर और कैपिटल को ट्रांसफर करके लखनऊ कर दिया गया। तो लखनऊ 1775 में हुआ, जो कि सोच तो शुजाउद्दौला की थी, इसे आसफ उद्दौला ने पूरा किया। यानी आसफ उद्दौला के पीरियड में कैपिटल फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर हुई। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। उसके बाद इन लोगों ने अपना एक ऐसा डिफेंसिव बनाया, वो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे हैं, ठीक है, तो ये इसीलिए बचाव के कि गोमती पार करके आएंगे तब तक हम बच जाएंगे, इस हिसाब से बनाया गया। अवध धीरे धीरे कमजोर होता गया। आसफ उद्दौला जब नवाब बना अवध का, तो उसके पास सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके पूर्वजों को बहुत तंग किया, बहुत सारे क्षेत्र छीन लिए। अब इसे लगा कि यदि अंग्रेज से हम झगड़ा करेंगे तो मेरी नवाबी भी चली जाएगी, क्योंकि अंग्रेज बाकी जगह ऐसा कर रहे थे। तो उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए अपना कैपिटल फैजाबाद से ट्रांसफर कर दिया लखनऊ, और बाकायदे अंग्रेजों से एक समझौता करके उनसे एक खास राशि लेकर अपना समय व्यतीत करने लगे। इन्हें लखनऊ के कल्चर निर्माणकर्ता के रूप में जानते हैं, क्योंकि लखनऊ नवाबों का शहर है और उन्होंने मुस्लिम परंपरा पर इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। इमामबाड़ा दो है, एक बड़ा इमामबाड़ा, एक छोटा इमामबाड़ा। तो ये बड़े इमामबाड़ा बनवाया, जहां रूमी दरवाजा बनवाया जो ईरानी पद्धति पर आधारित है। इसके बाद अंग्रेजों से इनको पेंशन मिलने लगे, क्योंकि फैजाबाद ट्रीटी में ऐसा कहा गया कि आप एक रकम बोलिए और उस रकम के साथ आपको किया गया। लेकिन जैसे इनके सन आए, वाजिर अली वो कुछ समय के लिए आए और इनको नवाब से हटाकर इनके बड़े भाई, किनके, आसफ के बड़े भाई को अंग्रेजों ने सादत खान सेकंड के नाम से नवाब बनाया। ये अंग्रेजों ने नवाब बनाया और उनके क्षेत्र को एक सब्सिडियरी अलायंस के तहत लॉर्ड वेलेजली ने अपने कब्जे में ले लिया। और यहीं से इतिहास चालू होता है कि अवध पर कोई नियंत्रण नहीं, इन्हें एक खास पेंशन मिलने लगा अंग्रेजों की तरफ से और सारा क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हद तब हो गई जब वाजिद अली शाह नवाब बने। वाजिद अली शाह को कोई मतलब नहीं, वो केवल अपने मतलब लखनऊ तक सीमित रह गए। उन्हें जान ए आलम के नाम से जाना जाता है, अवध के अंतिम रूलर थे। इनकी मृत्यु हो जाती है 1856 में और इनका पेंशन बंद कर दिया जाता है। बेगम हजरत महल इनकी पत्नी रहती है और इनके ऊपर अवध पे आरोप लगाया जाता है कि वहां का शासन गवर्नेंस ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए अंग्रेज पूरे के पूरे लखनऊ पर कब्जा कर लेगी। बेगम हजरत महल अंग्रेजों का विरोध करती है और 1857 के रिवोल्ट में शामिल हो जाती है। बाद में वह भागकर नेपाल चली जाती हैं, जहां गुमनामी जिंदगी व्यतीत करती हैं। तो इस प्रकार अवध यानी कि पूरा जो उत्तर प्रदेश है वह सीधे अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है आफ्टर 1857 रिवोल्ट, ठीक है।